गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, दिस इज द इनदर चैप्टर रिलेटेड टू द असेसमेंट। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। फॉर एवरी एग्जामिनेशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन है, लेकिन इसका सेक्वेंस जो एब्डोमिनल असेसमेंट में ये जो सेक्वेंस है वो अलग है। इंस्पेक्शन के बाद डायरेक्टली हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, फिर परकशन एंड देन लास्ट में पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन इसलिए लास्ट में करते हैं, अगर पल्पेशन सेकंडली हम कर देते हैं तो उसमें साउंड में चेंजेस आ जाती है, तो देयरफॉर वी डू द ऑस्कल्टेशन सेकंडली। सही है। एज कंपेयर आपने कल असेसमेंट की सीक्वेंस देखे थे, इसमें सीक्वेंस अलग थे। तो हर एक सिस्टम के लिए एग्जामिनेशन की असेसमेंट के लिए सीक्वेंस ऑफ द इंस्पेक्शन, सीक्वेंस ऑफ ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पल्पेशन बिल्कुल अलग तरह होती है। तो इसलिए ये सीक्वेंस लाजिमी तौर पे याद कीजिए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। यानी हेड और नेक की एग्जामिनेशन में, आई और ईयर की एग्जामिनेशन में कौन कौन से सीक्वेंस यूज होते हैं, तो इसको याद करना चाहिए। एग्जामिनेशन में इस किस्म के सवाल आ सकते हैं कि द सीक्वेंस फॉर द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज, इस तरह आप लोगों को ऑप्शन में दिए होंगे इंस्पेक्शन, एस्कल्टेशन, परकशन, पल्पेशन। ये ए ग्रुप होगा, यानी बी बी में ये हो सकता है एस्कल्टेशन इंस्पेक्शन परकशन पल्पेशन। सी इस तरह हो सकता है कि एस्कल्टेशन इंस्पेक्शन परकशन पल्पेशन। तो इस तरह के मुख्तलिफ सीक्वेंस होंगे, तो इसलिए आप लोग सीक्वेंस लाजिमी तौर पे याद कीजिए। सही है। एंड पल्पेशन टू एग्जामिन द एब्डोमेन बिगेन बाय मेंटली डिवाइडिंग द एब्डोमेन इनटू फोर एरियाज। हम एरियाज को फोर एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। द राइट अपर क्वाड्रेंट जिसको आर यू क्यू कहते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो फोर पार्ट्स में हम ये कर देते हैं। तो ये मजीद इसके डिटेल है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से एरियाज आ सकते हैं, एरिया आते हैं। यानी राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास राइट लोब ऑफ द लीवर, गॉल ब्लैडर, फाइलोरस, ड्यूडेनम, हेड ऑफ पेंक्रियास, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, पोर्शंस ऑफ द ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कोलोन। राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट में तो आप लोग ये जो ऑर्गन्स हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आ सकते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो इसको याद कीजिए। सीकम ऑफ द अपेंडिक्स है, पोर्शंस ऑफ द एसेंडिंग कोलोन है। व्हाई द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, स्प्लीन, स्टमक, बॉडी एंड टेल ऑफ द पेंक्रियास, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, पोर्शंस ऑफ द ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। व्हाई द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या है, सिग्माइड कोलोन, पोर्शंस ऑफ द डिसेंडिंग कोलोन, हमारे पास ये है। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, वी डू द इन इंस्पेक्शन ऑब्जर्व द एब्डोमेन। हम एब्डोमेन को ऑब्जर्व करते हैं, चेकिंग द सेमेट्री, हम सेमेट्री देखते हैं, सेमेट्री देखते हैं, बम्प्स देखते हैं, बल्जेस, कोई बल्जिंग वगैरह तो नहीं, और मासिस वगैरह तो नहीं है। नोट द पेशेंट एब्डोमेन शेप एंड काउंटर, पेशेंट्स के एब्डोमेन शेप्स देखते हैं और इसके काउंटर वगैरह देखते हैं। असेस द एम्प्लाया अम्ब्लाइकस, एब्डोमिन के अम्ब्लाइकस को असेस कर लेते हैं, कलरेशन, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। वेस्ट शुड बी इन्वर्टेड एंड लोकेटेड इन द एब्डोमिन मिड लाइन में, लोकेटेड होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। व्हाइल द ऑस्कल्टेशन लाइटली प्लेस द डायफ्राम, हम प्लेस करते हैं लाइटली, बिल्कुल हल्का, हल्के से प्रेशर के साथ हम डायफ्राम को रख लेते हैं अप योर स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में, स्लाइटली बिलो एंड टू द राइट ऑफ द एम्प्लाई, राइट ऑफ द थोड़े से नीचे और एम्प्लाइकस के राइट की तरफ, अस्कल्टेट इन द क्लॉकवाइज फैशन। हम क्लॉकवाइज फैशन में हम अस्कल्टेशन देखते हैं। सही है। क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक क्लॉकवाइज, जिस तरह क्लॉक की घड़ी रहती है तो इसी तरह कंडीशन में हम घूमते रहते हैं। सही है। फैशन इन ईच ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, नोट द करेक्टर्स, इसके करेक्टर्स देखते हैं, क्वालिटी ऑफ बाउल साउंड देखते हैं, एंड ईच क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट में क्वालिटी ऑफ द बाउल साउंड देखते हैं कि नॉर्मल कितना होते हैं। तो ये कंस्टिपेशन वगैरह के लिए हम देखते हैं, कोई गैसेस वगैरह दे फाइंड आउट करने के लिए हम ऑस्कल्टेशन करते हैं इन द एब्डोमिनल एरिया।
अस्कल्टेशन फॉर द वेजिकुलर साउंड, हमारे पास वेजिकुलर साउंड भी होते हैं अस्कल्टेशन एब्डोमिनल साउंड में, अस्कल्टेट द एब्डोमिन फॉर वेजिकुलर साउंड्स विद द बेल। लेकिन वेजिकुलर साउंड के लिए हम बेल यूज करते हैं। आपको लोगों को पता है कि स्टेथोस्कोप में दो टाइप, एक डायफ्राम होता है जो प्लेट एरिया होता है और दूसरा बेल शेप होती है। तो बेल एरिया को हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप के। फर्म प्रेशर लेसन ओवर द अरोटा, हम अरोटा के ऊपर जो डायग्राम में नजर, ये अरोटे के एरिया है ए शोन एज वेल ओवर द रेनल एलियक एंड पेमोरल आर्टरीज। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं अरोटा, फिर हम क्या करते हैं रेनल एलियक और पेमोरल आर्टरीज पर हम ये सुन लेते हैं। वेजिकुलर साउंड के लिए आप लोगों को ये आप लोगों को वेजिकुलर साउंड के लिए ये मुख्तलिफ एरियाज है जो कलरेशन में है। ये क्या है फेमोरल आर्टरी के लिए ये एरिया है, हम ये बेल शेप वगैरह देखते हैं। राइट एरिया एलियक आर्टरी और राइट रेनल आर्टरी, ये अरोटिया अरोटिक एरिया हेपेटिक फ्लेक्शन रब है। और ये हमारे पास लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट एलियक आर्टरी और लेफ्ट फेमोरल आर्टरी, हम इस एरिया में हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस बेसिस के लिए आप लोग दूसरे स्टूडेंट को लेटा के इस पिक्चर को देख के आप लोग इस साउंड को सुन सकते हो, सही है, इसी एरिया में परकशन। ऑस्कल्टेशन के बाद हमारे पास फिर परकशंस का एरिया है। व्हाट वी डू इन द परकशंस, डायरेक्ट हमारे पास एक डायरेक्ट परकशंस होती है और एक इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट में ये होते हैं कि हम इसमें हिट नहीं करते। आप लोगों को जो डायग्राम में नजर आ रहा है ये हमारे पास ये क्या है, ये इनडायरेक्ट परकशन है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परकशन से यूज टू डिटेक्ट द साइज, हम परकशन इसलिए करते हैं कि किसी भी साइज और लोकेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की साइज क्या है, इसका लोकेशंस क्या है, और कोई ईयर या कोई फ्लूड वगैरह एब्डोमेन या स्टमक में तो, या बाउल स्टमक या बाउल में कोई ईयर या फ्लूड तो फिल तो नहीं है, तो इसको फाइंडिंग करने के लिए हम परकस करते हैं। फॉर डायरेक्ट परकशन स्ट्रेक योर हैंड्स और फिंगर डायरेक्टली अगेंस्ट द पेशेंट एब्डोमेन। डायरेक्ट परकशन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेक करते हैं एब्डोमेन को, इसको डायरेक्ट परकशन करते हैं। यूज अ मिडल फिंगर और यूज अ मिडल फिंगर ऑफ योर डोमिनेंट हैंड और अ परकशन हैमर टू स्ट्रेक अ फिंगर रेस्टिंग ऑन द पेशेंट एब्डोमेन। बिगेन परकशन इन द, हम परकशन को शुरुआत करने के लिए सर हम सबसे पहले कहाँ से करते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट से एंड प्रोसीड टू क्लॉकवाइज, फिर ऑल फोर क्वाड्रेंट में हम इस तरह परकस करते हैं। नोट वियर परकस साउंड चेंज फ्रॉम टेम्पानिक टू डलनेस, फिर हम ये देखते हैं कि टेम्पेनिक साउंड जो है डलनेस की तरफ जो तब्दीली आ जाती है तो उसको नोट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि डोंट परकस इफ द पेशेंट हैज एन एब्डोमिन एरोटिक एनुरिज्म, हम परकशन इस कंडीशन में नहीं करते जब पेशेंट को कोई एनुरिज्म हो या कोई एब्डोमिनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह, तो इस कंडीशन में हम परकशन नहीं करते, या कोई भी ऑर्गन रप्चर हो तो इस कंडीशन में हम परकशन नहीं करते हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द परकशन की, परकशन को इसलिए करते हैं इस तरह करते हैं, रखते नहीं है बल्कि हिट कर लेते हैं। जो ऊपर वाली ये उंगली है ये इसको क्या करते हैं, ये डोमिनेंट है इसको इससे हिट कर देते हैं। तो इसमें करने की कोई वो नहीं है। यहाँ पर खास तौर पे ड्रम एंड हम ड्रम ये खास अल्फाज है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टू साउंड्स कैन बी हियर ड्यूरिंग परकशंस ऑफ द एब्डोमेन। ये बोले कि हम टू साउंड जो है हम एब्डोमेन में सुन सकते हैं, टेम्पेनिक एंड डलनेस साउंड। टेम्पेनिक कौन से साउंड होते हैं, ये नॉर्मल साउंड है, क्लियर होलो साउंड, होलो साउंड है, क्लियर साउंड होती है, सिमिलर टू अ ड्रम, इस तरह लगते हैं जैसे ड्रम को हम हिट करते हैं। ड्रम बीटिंग ऑकर्स व्हेन यू परकस ओवर होलो ऑर्गन, जो भी होलो ऑर्गन होते हैं जब हम इसके ऊपर परकस करते हैं तो हमें टेम्पैनिक साउंड या एम्प्टी स्टमक या बाउल, एम्प्टी बाउल जो है यहाँ पर हमें सुनाई देती है। द डिग्री ऑफ टेम्पेनी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट्स ऑफ द ऑन द अमाउंट्स ऑफ ईयर प्रेजेंट एंड गैस्ट्रिक डायलेशन। ये बोले कि जितने गैसेस ज्यादा होंगे तो इतने डलनेस टेम्पेनिक साउंड ज्यादा होंगे। व्हेन यू परकस हुअर सॉलिड ऑर्गन, जब हम सॉलिड ऑर्गन जैसे लीवर किडनी और ट्विसिस फिल्ड इंटेस्टाइन को जब भी हम परकस करते हैं तो फिर हमें डलनेस साउंड होते, ईयर फिल्ड से
ये सवाल आ सकता है कि ईयरफील्ड एरिया से हमें कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, टम्पैनिक साउंड विच इज द नॉर्मल साउंड ऑफ द एब्डोमिन, जबकि डलनेस साउंड जो है सोलिड ऑर्गन्स या फेसिस फील्ड इंटेस्टाइन से हमें कौन सा साउंड सुनाई देती है, उससे हमें डलनेस साउंड सुनाई देती है। पर्कस द स्प्लीन, द स्प्लीन इज लोकेटेड एट अबाउट द लेवल ऑफ 10th रिब इन द लेफ्ट मैक्सिलरी लाइन, 10वें रिब जो लेफ्ट मैक्सिलरी लाइन पर ये लोकेटेड होता है, पर्कशंस में प्रोड्यूस पर्कशंस की वजह से इसमें डलनेस साउंड हो सकती है और लेस एंड एडल्ट। हाउएवर द स्प्लीन यूजुअली कैन नॉट बी पर्कस, हम स्प्लीन को पर्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज टेम्पैनिक फ्रॉम द कोलोन मार्क्स द डलनेस ऑफ द स्प्लीन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अटैचमेंट में हमारे पास कोलोन होता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन होता है। पर्कशंस ऑफ द स्प्लीन के लिए ये पिक्चर्स हैं, हम इस तरह पर्कस करते हैं स्प्लीन को, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल कंडीशन में हम करके फिर स्प्लीन को हम पर्कस कर सकते हैं। सही है, फॉर फाइंडिंग आउट फ्लूइड फील्ड या ईयर फील्ड एरिया को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। पल्पेशन, दिस इज द पल्पेशन जो आप पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं। लाइट पल्पेशन के लिए पुट द फिंगर्स ऑन वन हैंड क्लोज टुगेदर, हम एक हैंड को दूसरे हैंड को रख लेते हैं, पेशेंट की एक ये पोजीशन कर लेते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। डिप्रेस द स्किन अबाउट, हम तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर तक डीप कर लेते हैं विद द फिंगर एंड मेक अ जेंटल रोटेटिंग मोमेंट, हम फिर ऐसा ऐसा रोटेटिंग मोमेंट कर लेते हैं। सही, और पेशेंट से पूछे कोई दर्द या पेन तो महसूस नहीं हो रहा है। टू परफॉर्म डीप पल्पेशन के लिए हम क्या करते हैं, तकरीबन 3 इंच तक यानी 7.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक हम इतना डीप जाते हैं, जोर देते हैं अंदर की तरफ। कौन से पेशेंट में हम डीप पल्पेशन करते हैं, लाइट पल्पेशन जो है हम थिन पेशेंट में करते हैं, जबकि ओबेस पेशेंट में हम डीप पल्पेशन करते हैं इन एन ओबेस पेशेंट, फुट ऑन वन हैंड ये इस तरह से करते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन में आने वाले जो चीजें हैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड पल्पेटिंग द लिवर, लिवर को किस तरह पल्पेट करते हैं, ये कंडीशन है, ये पोजीशन है जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, और ये हुकिंग द लिवर, ये दूसरा दूसरा वो है। दो मेथड से लिवर को, लिवर आप लोगों को पता है कि राइट के एरिया की तरफ है, राइट एरिया में राइट अपर क्वाड्रेंट्स में होता है, एक ये प्रोसीजर है। सही है, एक ये प्रोसीजर है और एक ये प्रोसीजर, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के हम करते हैं। सही, स्टैंडर्ड पल्पेशन हुकिंग द लिवर इस तरह ये कंडीशन करते हैं। फॉर फाइंडिंग आउट एनी एबनॉर्मिलिटी या एनी इनलार्जमेंट या हेपेटोसाइट्स यानी इनलार्जमेंट को फाइंड करने के लिए हम ये पल्पेशन करते हैं। स्प्लीन को पल्पेट करने के लिए ये पोजीशन करते हैं, ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सही है, स्प्लीन को, और चेकिंग फॉर एसाइटिस, अगर कोई एब्डोमिनल फ्लूड वगैरह फिल हो तो इसको चेक करने के लिए ये वाले डायग्राम जो कर्सर नजर आ रहा है ये वाली पोजीशन कर लेते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ट्राई करते हैं, ये भी सुपाइन पोजीशन में। ये वाली कंडीशन जो है हम स्प्लीनिंग पल्पेशन जो है हम इस तरह करते हैं। एब्डोमिनल आरोटा, असेसिंग द एब्डोमिनल आरोटा, इसको आरोटा को असेस करने के लिए ये वाली कंडीशन करते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं कोई पेन वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, ये हमारे पास ये वो है, ये एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास ये आ सकते हैं कि रिबोन टेंडरनेस किसे कहते हैं। सही है, रिबोन टेंडर हेल्प द पेशेंट इन टू द सुपाइन पोजिशन, पेशेंट को क्या करते हैं सुपाइन पोजिशन में लेटा देते हैं और इसके नीज को क्या कर लेते हैं, इसके नीज को फ्लेक्स कर लेते हैं टू रिलैक्स द एब्डोमिन मसल। फ्लेक्स इसलिए करते हैं कि इसके एब्डोमिनल मसल बिल्कुल रिलैक्स हो। फिर प्लेस योर हैंड्स जेंटली ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, हम जो मेक बर्निंग ये वाली एरिया जहां पर ये उंगलियां रखी गई है इसको हम कौन सा साइन कहते हैं, मेक बर्निंग पॉइंट कहते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट के मेक बर्निंग पॉइंट जो है वहां पर उंगलियां इसी तरह रख लेते हैं, स्लोली एंड डीपली डिप, ऐसा ऐसा और डीपली डिप करते हैं फिंगर्स को इनटू द एरिया और फिर प्रेशर को रिलीज करते हैं
इन अ क्विक स्मूथ मोशंस, पेन ऑन रिलीज। अगर अगर आप हाथ हटा लेते हो, सही है, पेन ऑन रिलीज, सही है। पेन ऑन रिलीज का मतलब है जब आप हाथ हटा लेते हो तो पेन होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिबोन टेंडरनेस कहते हैं। रिबोन टेंडरनेस इज अ पॉजिटिव साइन। अगर इस तरह कंडीशन हो तो इसको हम पॉजिटिव साइन कहते हैं। पॉजिटिव साइन है द पेन में रेडिएट टू द अम्बलाइकस, और ये पेन जो है, ये दर्द जो है अम्बलाइकस तक चला जा सकता है। तो ये कंडीशन है, जब भी हम हाथ हटा देते हैं, ये जो वाली जो कंडीशन, अगर ये हटा देते हैं, पेशेंट्स को दर्द होता है जब भी हम ये उंगलियां हटा देते हैं, तो इस कंडीशन को हम रिबोन टेंडरनेस कहते हैं। दूसरा है, दूसरा कौन सा है, एलोप्सोस साइन। एलोप्सोस साइन किसे कहते हैं, ये कंडीशन करते हैं, हेल्प द पेशेंट्स इनटू, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं विद हिज लेग स्ट्रेट, इसके लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, इंस्ट्रक्ट है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कराते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि क्या करना है, टू रेज हिज राइट लेग अपवर्ड। पेशेंट को बताते हैं कि अपना राइट लेग को अपवर्ड की तरफ करें, सही है, एज यू एक्सर्ट स्लाइड डाउनवर्ड प्रेशर, सही है, विद योर हैंड ऑन हिज राइट थाई, सही है। फिर इसी तरह पेशेंट को बोलते हैं कि एक पांव को ऊपर की तरफ रेस कर लो और नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड की तरफ भी जोर दो, रिपीट द मिनेवर विद द लेफ्ट लेग। इसी तरह फिर दोबारा यही पोजीशन जो है आप लेफ्ट लेग से कर लो। व्हेन यू टेस्टिंग आइदर लेग इंक्रीज एब्डोमिनल पेन इन अ पॉजिटिव, इज अ पॉजिटिव रिजल्ट। जब भी ये पॉजिटिव रिजल्ट है, जब पेशेंट को पेन फील हो रहा है व्हाइल डूइंग दिस कंडीशन, तो ये कौन सा साइन कहलाता है, सोस, इंडिकेटिंग इरिटेटिंग ऑफ सोस मसल। ये कौन सा है? ये सोस साइन कहलाते हैं, जो देयर इज समथिंग रॉन्ग, सही है। तो आप ये यूट्यूब में भी देख सकते हो। दूसरा है अब्टूरेटर साइन। अब्टूरेटर साइन किस तरह आपको महसूस होता है, पेशेंट को बोलते हैं कि सुपाइन पोजीशन में लो विथ राइट लेग फ्लेक्स 90 डिग्री तक, जो ये डायग्राम में नजर आ रहे हैं, 90 डिग्री तक राइट लेग को फ्लेक्स कर लो एट द हिप एंड नीज, सही है, इस तरह फ्लेक्स कर लो जो डायग्राम में नजर आ रहे हैं, होल्ड द लेग जस्ट अबाउ द नी एंड एट द एंकल, देन रोटेट द लेग लेटरली एंड मेडियली। इसी तरह फ्लेक्स करके फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ पाँव को क्या करो, रोटेट करो। अगर इस तरह करने से पेशेंट को पेन हो रहा हो, इसका मतलब क्या है, पेन इन द हाइपोगेस्टिक रीजन इज अ पॉजिटिव साइन। जब आपको हाइपोगेस्टिक रीजन, यानी आपको जो एरेटिक, जो एब्डोमिनल एरिया है, अगर यहाँ पर आपको पेन महसूस हो रहा है वाइल्ड वाइल, यानी आप जब भी लेग रोटेट करते हो लेटरली या मेडियली, यानी बाहर की तरफ जब लेग को रोटेट करते हो या अंदर की तरफ लेग को रोटेट करते हो, आपको पेन महसूस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। ये क्या है, अब्टूरेटर मसल में कोई मसला है, देयर समथिंग रॉन्ग, सही है। तो ये अब्टूरेटर साइन को इस तरह, ये पॉजिटिव साइन है। तो ये तीन साइन को आप लोग गूगल, आप लोग मजीद इस पे स्टडी कर सकते, इस तरह इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एग्जामिन द रेक्टम एंड एनस को एग्जामिन करने के लिए क्या है, इफ योर पेशेंट इज ए, अगर इसके 40 साल इससे ओल्डर हो, तो हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं जो आपकी जीआई असेसमेंट का पार्ट है। बी श्योर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट बिफोर यू बिगेन। ये लाजमी है कि जो भी प्रोसीजर करते हो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हो। इंस्पेक्शन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पुट द ग्लव्स, जो भी इस प्रोसीजर के लिए खास तौर पे ग्लव्स पहनना है, और बटर को स्प्लिट करना है टू एक्सपोज द एनस एंड सराउंडिंग टिश्यूज, द स्किन इज पेरिनियल एरिया है, इज नॉर्मली समवट डार्कर देन डेट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। ये डार्कर एरिया होते हैं इस सराउंडिंग एरिया के मुकाबले में, हम यहाँ पर फेशियर्स या कोई लीजन, स्कार्स, इंफ्लेमेशन, डिस्चार्ज, रेक्टल प्रोलेप्स, स्किन टैग्स और एक्सटर्नल हेमोराइड्स वगैरह के लिए हम ये इंस्पेक्शन करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं टू स्ट्रेन इज एफ हैविंग अ बॉल मोमेंट, दिस सेक्शन में रिवील इंटरनल हेमोराइड्स, प्रोलेप्स और फेशियल के लिए हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पल्पेशन के, इसमें परकशन नहीं होती, याद रखो कि रेक्टल एग्जामिनेशन में हम ना परकशन करते हैं ना स्कल्टेशन करते हैं। कुछ चीजों में परकशन होती है, कुछ चीजों में स्कल्टेशन नहीं होती है, तो ये हर सिस्टम से आप रिलेटेड आप लोग याद कीजिए।
पल्पेशन क्या करते हैं, वाटर सोलेबल लुब्रिकेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं, जैसे जाइलोकेन वगैरह भी यूज करते हैं, ग्लव्स वगैरह पे वो कर देते हैं, इंडेक्स फिंगर पे पेशेंट को बोलते हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ, एंड वन है ही फील सम प्रेशर, और इसको बोलते हैं बताओ अगर आपको कोई प्रेशर महसूस होता हो, आस्क द पेशेंट टू बियर डाउन, पेशेंट को बोलते हैं कि नीचे की तरफ हो जाओ, एंड स्फिंक्टर्स, और स्फिंक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि अपने आप को स्फिंक्टर जो मसल्स है बिल्कुल इसको रिलैक्स करो, और फिंगर को इंसर्ट करते हैं रेक्टम में टुवर्ड द एम्प्लाइकस टू पल्पेट एज मच एज रेक्टल वन एज पॉसिबल, और फिर फिंगर को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज को। सही है, ये किस लिए करते हैं, वो कोई हेमोराइड्स वगैरह, कोई ब्लीडिंग वगैरह कोई चीज तो नहीं, तो ये दिस इज द समवट इस तरह हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ से आ सकते हैं। डिस्टेंशन किसके वजह से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन किसके वजह से, डिस्टेंशन का मतलब फूल जाना, मे रिजल्ट फ्रॉम गैसेस, ट्यूमर के वजह से, ज्यादातर गैसेस की वजह से डिस्टेंशन होती है, जब भी कोलोन जो है फिल्ड होता है फीसिस वगैरह या कंस्टिपेशन कंडीशन में होती है, इट मे आल्सो बी कॉज बाय द इंसिजन, इंसिजनल हर्निया की वजह से भी हो सकता है, विच मे प्रोड्यूट व्हेन द पेशेंट्स लेफ्ट हैज हेड एंड शोल्डर। ये गैसेस की वो निशाना है, वो है जो आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, सीजनल हरिया ये है और ट्यूमर कंडीशन ये हो सकती है। और दूसरा है एब्डोमिनल पेन, क्या एब्डोमिनल पेन में इंडिकेट्स, एब्डोमिनल पेन किसके वजह से है, अल्सरेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एपेंडिसाइटिस की वजह से, अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस किसे कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस कोलन के इंफ्लेमेशन को उसको कहते हैं, पेरोटोनाइटिस पेरोटोनियल मेम्ब्रेन के इंफ्लेमेशन को कहते हैं, और इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर की वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। फॉर एग्जांपल ड्यूडेनल अल्सर कैन कॉज नाविंग एब्डोमिनल पेन इन द मेडेबिगेस्ट्रिक पेन जो थ्री आफ्टर द पेशेंट हैज इटन, जब भी पेशेंट खा लेते हैं तो इसकी 3 घंटे या 1.5 घंटे के बाद इसको मेडेबिगेस्ट्रिक पेन होता है। इफ योर पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है एब्डोमिनल पेन का, उसको कहते हैं कि अपने पेन को, दर्द को डिस्क्राइब करें जब भी ये स्टार्ट हो जाए, इस तरह ये है बर्निंग। टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पेन में एक बर्निंग है, जैसे पॉसिबल कॉज पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जिसको हम गट्स कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से भी बर्निंग लाइक होती है, जैसे जलन वगैरह। क्रैम्पिंग किसके वजह से हो सकती है, बाइलेरिक कोलिक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से, डायरिया, कंस्टिपेशन और ब्लोटिनेस की वजह, गैसेस की वजह से यह होता है। सीवियर क्रैम्पिंग अपेंडिसाइटिस की वजह से, क्रोन डिजीज डायवर्टिकुलस यानी डायवर्टिकुलोन में जो पॉन्च वगैरह बनते हैं इसको कहते हैं। स्टेबिंग किसकी वजह से, पेंक्रेटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस की वजह से भी आपको स्टेबिंग लाइक पेन होती है। सही है, तो इसके साथ ही क्लास डिसमिस हो जाता है।